ओके तो भाई फाइनली रॉक एंड रोमन रेसलमेनिया का 49-1 जीत लेते हैं, और साथ ही साथ रॉक को स्पीयर खाना पड़ा वो भी रोमन रेंज की ओर से। एग्जैक्टली क्या हुआ उस वाले मैच में जानते इस वाले वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। सबसे पहले एंट्री होता है द अमेरिका नाइटमेयर कोडी रोड्स का। कोडी रोड्स रिंग के अंदर आते हैं, फिर वो अपने पार्टनर को मींस सेथ रॉलिंस को एंट्री करते हैं। देन फिर हमारे ब्लड लाइन के मेंबर मींस द फाइनल बॉस द रॉक आते हैं, और साथ ही साथ रॉक अपने पास एक बेल्ट रखे हुए थे जो कि वो रिंग के अंदर लेके आते हैं। फिर हमारे फाइनली द हेड ऑफ द टेबल द ट्राइबल चीफ रोमन रेंज का एंट्री होता है। रोमन रेंज वही स्वैग में अपना एंट्री आते हैं, रिंग के अंदर लेते हैं, देन फिर उन दोनों का मैच ही स्टार्ट होता है। देखो जब मैच स्टार्ट होता है तो रिंग के अंदर थे रोमन एंड सेथ रॉलिंस। देखो मैच बहुत ज्यादा स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा सिंपल था, ना रोमन रेंज किसी पे अटैक कर रहे थे ना सेथ रॉलिंस या फिर कोई भी, मतलब बहुत सिंपल था मैच। लेकिन 10 से 15 मिनट बाद ये मैच रिंग के बाहर चले जाते हैं। एक तरफ सेथ रॉलिंस द रॉक एक दूसरे को मार रहे होते हैं रिंग के बाहर, दूसरी तरफ रोमन रेंज एंड कोडी रोड्स एक दूसरे को मार रहे होते हैं। इस मैच में कोडी रोड्स बहुत ज्यादा कोडी कटर दे रहे होते भाई रोमन रेंज, फिर भी रोमन रेंज किक आउट कर रहे होते हैं। और हाँ, जैसा कि हम लोग को पता है कि सेथ रॉलिंस का घुटना बहुत ज्यादा कमजोर है, ब्लड लाइन के दोनों मेंबर रॉक एंड रोमन रेंज जानबूझ के सेथ रॉलिंस के घुटने पे वार कर रहे थे, लेकिन फिर भी सेथ रॉलिंस किक आउट कर रहे थे। लास्ट में क्या देखने को मिलता है कि जब सेथ रॉलिंस जा रहे होते हैं रॉक को मारने के लिए, तभी उनको बचाने के लिए रोमन रेंज आते हैं। रोमन रेंज बस सेथ रॉलिंस को स्पीयर लगाने वाले होते हैं, तभी वहां से सेथ रॉलिंस हटते हैं और वो स्पीयर लगता है द रॉक। जब वो स्पीयर द रॉक को लगता है, मुझे तो लग रहा था भाई अब ये दोनों के बीच में कुछ होने वाला है, बट थैंक गॉड दोनों ब्रदर के बीच में कुछ नहीं होता। एंडिंग में हमें पूरे 11 साल बाद रॉक का रॉक बॉटम देखने को मिलता है, वो भी कोडी रोड्स के ऊपर। वो रॉक बॉटम जैसे ही कोडी रोड्स को लगता है, वो मैच कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस हार जाते हैं। तो इसका मतलब है नाइट टू मींस मंडे को ब्लड लाइन रूल्स होने वाला है। अब गॉड से यही प्रे है कि मतलब कल रोमन रेंज से जीत जाए।